कि आप भी अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करना चाहते हैं। खुद एतमादी पैदा करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहे तो आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिनकी मदद से आप अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। टिप्स की जानिब बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे कि कोई भी इंसान पैदा होने के साथ ही खुद एतमादी लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि वो इस दुनिया के अंदर रहते हुए ये चीज़ें सीखता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को डेवलप करता है। तो इसलिए आप लोग भी अगर सीखेंगे तो आप लोग भी खुद एतमादी अपने अंदर पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना ज़रूरी समझते हैं कि पुरएतमाद शख्स के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं। पुरएतमाद शख्स जो भी करना चाहता है, जो उसे सही लगता है, वो करने की हिम्मत रखता है। पुरएतमाद शख्स रिस्क लेने की भी सलाहियत रखता है और पुरएतमाद शख्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। ये कुछ सलाहियतें थीं, कुछ खूबियाँ थीं जो पुरएतमाद शख्स के अंदर होती है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने वीडियो के असल हिस्से की जानिब। टिप नंबर वन, अपनी उन तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपने ज़िंदगी में अचीव कर रखी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया तो परेशानी की कोई बात नहीं। आप अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनको आपने अचीव कर रखा है। जैसे अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लिए हों, जैसे अगर आपने स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्म किया हो, या अगर आपकी किसी भी जगह पर अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसको भी इस लिस्ट में शामिल करें। और एक और ज़रूरी बात कि इस लिस्ट को अपने करीब रखें, क्योंकि जब भी आप लिखने बैठेंगे तो आप तमाम चीज़ें एक ही वक्त में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको सभी कुछ याद नहीं होगा। तो इसलिए आपको वक्त के साथ साथ आपकी अचीवमेंट्स याद आती रहेंगी। तो अगर आपके पास अपनी लिस्ट करीब होगी तो आप उसको दोबारा लिखने में कामयाब हो जाएंगे। तो इन अचीवमेंट्स को देखने के बाद आपको अंदर से एक खुशी महसूस होगी और एक एतमाद आपको मिलेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें अचीव कर रखी हैं और अगर मैं ये चीज़ें अचीव करना चाहूँ तो कर पाऊँगा। टिप नंबर टू, अपनी उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिन चीज़ों में या जिन कामों में आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है और आप अपने उस टैलेंट को जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने उस टैलेंट को जानने में कामयाब होंगे, अपनी उस एबिलिटी को जानने में कामयाब होंगे, तो आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे और खुद एतमादी आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी। टिप नंबर थ्री, अपने लिए कुछ गोल्स सेट करें और उन गोल्स को सेट करने के साथ साथ उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग भी ज़रूर करें। और ये गोल ऐसे नहीं होने चाहिए कि बहुत बड़े गोल आप सेट कर लें कि जिनको अचीव करने के लिए आपको काफ़ी वक्त चाहिए, बल्कि छोटे छोटे गोल सेट कीजिए जिनको आप जल्द अचीव करने में भी कामयाब हो जाएं, और उनकी प्लानिंग भी ज़रूर कीजिए ताकि आप जल्दी उन चीज़ों को अचीव करें। और जब आप किसी चीज़ को अचीव करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी। टिप नंबर फोर, टॉक यूर सेल्फ, खुद से बातचीत करना। ये टिप बहुत ही ज़्यादा मौसर है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप बहुत जल्द आपकी लाइफ में तब्दीली आएगी, क्योंकि टिप नंबर फोर पर अमल करने से आपको सबसे पहले अपनी ज़ात को जानने में आसानी होगी। जब आप अपनी ज़ात को जानेंगे, अपने करीब आएंगे, तो आपको अपनी अचीवमेंट्स भी नज़र आएंगी और आपको अपनी स्ट्रेंथ्स भी नज़र आएंगी। जब आपको ये दोनों चीज़ें अपनी नज़र आएंगी तो आपको अपनी काबिलियत नज़र आना शुरू हो जाएगी और आपके अंदर एतमाद पैदा होना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाएगी। टिप नंबर फाइव, कोई भी मशगला अख्तियार ज़रूर करें, चाहे वो किताब बीनी हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर एक हॉबी ज़रूर इख्तियार करें। और उस हॉबी को इख्तियार करने की वजह से आपका जहन काफ़ी हद तक रिफ़्रेश रहेगा और उस रिफ्रेशमेंट की वजह से आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे और अच्छा महसूस करने के साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़रूर पैदा होगा। ये थी हमारी आज की पांच टिप्स जो हमने आपको दी, और मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा वो है सेल्फ टॉक, खुद से बातचीत करना। एक और बात कि इन सभी टिप्स पर अगर आप अमल करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली ज़रूर महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही रात में आपके अंदर तब्दीली आ जाए, बल्कि सभी चीज़ों पर आपने अमल करना है और आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी ज़ात में तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि इन में से आपकी कौन सी फेवरेट टिप थी,
और अगर आप भी हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर आप भी हमारे परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। और उसके बाद हम जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो हम आपको ज़रूर नोटिफिकेशन भेजेंगे। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है, और वीडियो को लाइक कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।